हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले फ्लिपकार्ट पेलेटर का पैसा आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किस तरह से कर पाओगे। तो ये वीडियो मैं आप लोग को लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूँ, तो आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक करके आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से यहाँ पर कर लेना। मैं बहुत ही यूनिक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसमें आप लोग को दो प्रोसेस बताऊँगा। आप लोग को मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बस उस तरह से आप लोग को फॉलो करना। इजी वे में आप लोग यहाँ से जो भी आप लोग को फ्लिपकार्ट पेलेटर में लिमिट मिला होगा, आप लोग जितना भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को यहाँ से 100% आप लोग को ट्रांसफ़र होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल से नहीं करना है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट जरूर से करते जाना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से जरूर से आप लोग को कर देना। तो चलिए सिंपली हम वीडियो को यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। तो इसमें मैं आप लोग को दो प्रोसेस बताने वाला हूँ, दोनों के दोनों यहाँ से आप लोग को वर्किंग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन, आप लोग को मोबाइल के स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से सिंपली फ्लिपकार्ट को कर लेंगे यहाँ से हम ओपन। तो सिंपली यहाँ से फ्लिपकार्ट को आप लोग को ओपन करना है। यदि यहाँ से आप लोग को करना है तो कर सकते हो। यदि आप लोग को प्ले स्टोर में अपडेट आया है फ्लिपकार्ट का, तो आप लोग को पहले अपडेट करना रहता है। तो हमें फ्लिपकार्ट यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। प्ले स्टोर में आकर आप लोग को सर्च करना है। यदि अपडेट आया हो तो आप लोग को यहाँ से अपडेट लेटेस्ट वर्जन से कर लेना है, तभी आप लोग को ज़्यादा वर्क करेगा। तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे हम सिंपली ओपन कर लेंगे। तो जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग को पेलेटर में लिमिट मिला हुआ जो कहाँ आप लोग को देखने को मिलता, तो यहाँ पे होम कैटेगरी नोटिफिकेशन अकाउंट एंड कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखते हो इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाना। जैसे अकाउंट वाले ऑप्शन पर आते हो यहाँ पे देखते हो ऑर्डर विशलिस्ट कूपन हेल्प सेंटर पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट पेलेटर का ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट पेलेटर में जो भी लिमिट मिला है यहाँ पे मेरा शो कर रहा है, तो इस पर हम करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हो ओपन हो रहा है ये पेज। तो यहाँ पे हम ओपन होने का वेट करें, तो यहाँ पे देखते हो फ्लिपकार्ट पेलेटर करके आप लोग को देखने को मिलेगा। अवेलेबल क्रेडिट 18,743.41 आप लोग को देखने को मिला और टोटल अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया वो यहाँ से कम करके आप लोग को 18,000 जो बचा हुआ लिमिट ये मेरा यहाँ से शो कर रहा है। तो आप लोग को जो भी लिमिट रहेगा आप लोग को ट्रांसफ़र इजीपे में यहाँ से होने वाला। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल पर चेक किया था, उसमें ये EMI के रूप में आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे व्यू यूजेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखते हो बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से एक ट्रिक और है जो मैं आप लोग को बता दूंगा, पहले मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ उसके बाद एक ट्रिक और आप लोग को बताऊंगा जिससे आप इजी में यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो क्या करना है, यहाँ पे नेवर शेयर योर OTP का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आप लोग को करना है क्लिक। तो सॉरी, इस पर आप लोग को करना है क्लिक। तो जैसे ही करोगे क्लिक इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग क्या करना है, आप लोग को फीस पे करके आप लोग यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को दूसरा ट्रिक ही बताता हूँ जिससे आप लोग इजी वे में यहाँ से कर सकते हो। तो सिंपली इस पर हम करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वेरीफाई करने बोल रहा, तो आप लोग यहाँ से जाकर आप लोग फीस ट्यूशन फीस किसी भी तरह से आप लोग पे कर सकते हो। तो चलिए मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ जिससे इजी वे में आप लोग को यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ से सिंपली हो जाएंगे बैक। तो जैसे बैक होंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आप लोग को सिर्फ शॉपिंग करने का ऑप्शन देता लेकिन आप लोग को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग इजी में कर पाओगे। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ जाना है। तो जैसे प्ले स्टोर पर आते हो यहाँ से सर्च करना जो ऐप मैं बता रहा हूँ, वो ऐप आप लोग को सिंपली यहाँ से सर्च करना। तो यहाँ पर शॉपसी करके आप लोग को एक ऐप मिलेगा, तो सिंपली आप लोग को इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ से हम इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। आप लोग को यदि इंस्टॉल है और आप लोग को अपडेट आया हो तो आप लोग को यहाँ से अपडेट करके सिंपली इसको ओपन यहाँ से आप लोग को कर लेना। तो सिंपली हम इसको कर लेंगे यहाँ से ओपन। तो जैसे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलता। तो अब आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ से मैं जिस तरह से बताऊँगा उस तरह से बस आप लोग को करते जाना, इजी में आप लोग यहाँ से कर पाओगे। तो हम देखते हो होम सर्च कैटेगरी अकाउंट एंड कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो जैसे आएंगे ऑर्डर सेव्ड आइटम लैंग्वेज इस तरह का देखने को मिल जाएगा। पर्सनल लोन आप लोग देख पाओगे, गेट अप टू 5 लाख इंस्टेंटली का ऑप्शन आ रहा है। बाय नाउ पेलेटर का ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो सिंपली इस पर हम करेंगे क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग को रहेगा पेलेटर में लिमिट मिला हुआ वो यहाँ से भी आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से होना है आप लोग को बैक। तो जैसे बैक होगा इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो नीचे आओगे तो माई कार्ड एंड वॉलेट सेव्ड कार्ड माई बैंक डिटेल माई अर्निंग माई कस्टमर लैंड एंड अर्न का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे माई बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर करना है क्लिक। तो आप लोग को सिंपली यहाँ से बैंक डिटेल आप लोग को यहाँ से फिल करना है। तो हमें देखते हो लेट गेट स्टार्ट भी एंडिंग और बैंक ऑप्शन आ रहा है, एड बैंक ऑप्शन आ रहा है, नेम अकाउंट नंबर अकाउंट होल्डर नेम। तो एड बैंक एड अकाउंट वाला ऑप्शन पर सिंपली करेंगे क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम देखते हो
विल डिपॉजिट ₹1 योर अकाउंट टू हेल्प योर फेरी फाई दी डिटेल का ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को ₹1 खुद से यहाँ से यहाँ पे आप लोग को पे होगा, यानी कि खुद से फिर रिटर्न भी हो जाता है। तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल, अकाउंट होल्डर नेम आप लोग को डालना है, अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड। तो सिंपली आप लोग को यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को डाल लेना, उसके बाद अकाउंट नंबर रहेगा जो आप लोग यहाँ से डालना, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम आप लोग का यहाँ से जो भी नाम रहेगा वो आप लोग को सिंपली यहाँ से डाल लेना है। तो जैसे ही डालते हो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली यहाँ से सेव कर लेना है। तो आप लोग को इसी में पेमेंट मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का। तो अब किस तरह से ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से क्या करना है, आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा होना है बैक, होम स्क्रीन पे आ जाना, आप लोग को मीशो के होम स्क्रीन पे आता है, फिर से हो जाते हैं बैक में यहाँ से। तो यहाँ से सिंपली क्या करें, यहाँ से सिंपली हम मीशो को कर लेंगे सर्च, सॉरी, तो यहाँ से सिंपली हम शॉपसी को कर लेंगे सर्च। जैसे सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अब आप लोग क्या करना है, आप लोग को सिंपली कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से चूज करना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग, उस तरह से आप लोग दिमाग लगो तो इजी में आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है। तो सिंपली हम इस पर कर लेंगे क्लिक, आप लोग भी कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट पे। तो सिंपली इस पर जैसे करेंगे क्लिक, इस पर हम कर लेंगे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो हमें आउट ऑफ स्टॉक करके देखने को मिला, तो चलिए मैं दूसरा प्रोडक्ट इस पर करता हूँ क्लिक, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हो। तो जैसे इस पर हम करेंगे क्लिक, इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आप लोग को देख लेना है, आप लोग रिटर्निंग ऑप्शन आप लोग को देख लेना, उसके बाद यहाँ पे सिंपली बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर आप लोग को करना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम देखते हो इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इस पर हम कर लेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ऑर्डर आप सैमरी आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो जिसमें आप लोग को एड्रेस शो कर रहा है, यहाँ पे आप लोग एड्रेस चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिला, नीचे व्यू प्राइस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंज वाले ऑप्शन पे सिंपली करेंगे क्लिक, आप लोग को न्यू एड्रेस ऐड करना रहेगा, तो आप लोग को चेंज वाले ऑप्शन पे करना है सिंपली टैप। तो जैसे टैप करेंगे यहाँ पे इस तरह का पेज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे तो ऐड ए कस्टमर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि न्यू एड्रेस आप लोग को डालने का ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एड्रेस आप लोग को देखने को मिल रहा है, ऐड कस्टमर का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इस पर करना है क्लिक। आप लोग को इजी वे में यहाँ से पूरा डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हो, तो मेरा ऑलरेडी है तो मैं उसी पर कर लेता हूँ। तो यहाँ से सिंपली होंगे बैक, तो जैसे ही बैक होंगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इतना के बाद आप लोग को टोटल प्राइस यहाँ शो कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर हम कर लेंगे क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन यहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट ऑप्शन आता है यहाँ पे देखते हो गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड EMI, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पेटीएम UPI वॉलेट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हमको यहाँ से पे लेटर के थ्रू करना, तो सिंपली फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इसमें हम कर लेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हो OTP वेरीफिकेशन होगा, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली इस पर करोगे क्लिक, तो आप लोग को फ्लिपकार्ट की तरफ से एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो मेरा OTP यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे सिंपली हम वेरीफाई करेंगे, तो आप लोग को यहाँ से सिंपली फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप लोग के यहाँ से ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, उसके बाद आप लोग को घंटा दो घंटा या एक से दो दिन बाद आप लोग को सिंपली जो भी यहाँ से ऑर्डर बुक करोगे उसको सिंपली कैंसिल करना, जो भी बैंक अकाउंट इसमें मैंने बताया ऐड करने के लिए, यदि आप लोगों ने ऐड कर लिया तो जैसे कैंसिल करोगे तो उसी में आप लोग को रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, आप लोग समझ गए हो किस तरह से आप लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो।